हाय दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे और मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब दोस्तों एग्जाम तो ओवर हो गए हैं, तो ज्यादातर आम बात है कि हम सब घूमने वगैरह जाएंगे, पर दोस्तों मैं तो वीडियो डालता रहूंगा और आपको साइंस के बारे में नॉलेज देता रहूंगा। आज हम बात करेंगे कुछ अलग चीज के बारे में। देखिए दोस्तों, साइंस जो है वो बहुत तरक्की कर चुका है और साइंस बहुत आगे भी निकल गया है, पर बड़ी बात यह है कि साइंस ने ऐसा क्या अभी नया कर पाया है जिसके कारण हम ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, नासा का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन ईजाद कर ली है, यानी तैयार कर ली है, जो वेव्स पकड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, बहुत सारी मशीनें हैं जो वेव्स पकड़ती हैं। ये अलग है क्योंकि ये वैसे वेव्स नहीं पकड़ती जो सन से आती हैं या कहीं और से आती हैं, ये पकड़ती है ऐसे वेव जो कहीं दब चुके हैं। इससे ये मतलब है दोस्तों कि जैसे कि कभी रामायण हुई थी, तो जब वहां दो तीर टकराए, यानी दो बाण टकराए थे, तो उनसे जो वेव्स निकली थी वो कहीं जमीन में दब गई है, या महाभारत का युद्ध हुआ तो उनसे जो वेव्स निकली थी वो कहीं जमीन में दब गई है। उस वेव्स को पकड़ने वाली है ये मशीन। जी हाँ, अगर ये मशीन सही तरीके से काम कर गई तो 2022 में आने वाली है मशीन, तब तक हमें यह पता चल जाएगा कि क्या सच में रामायण या महाभारत हुई भी थी या नहीं। क्योंकि अगर हुई थी तो ये वेव जरूर पकड़ लेगी, और इसका टेस्ट सिर्फ रामायण महाभारत के नहीं और ऐसे युद्धों के लिए किया जाएगा जिसको हम जानते हैं कि हुआ था, ठीक ना। तो इसीलिए नासा ये दावा कर रहा है कि उसने ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो इतिहास को पकड़ सकती है। अभी दोस्तों इस मशीन का कोई नाम तो नहीं रखा गया है, पर 2022 तक आने की संभावना है इसकी, पर हो सकता है दोस्तों लेट हो जाए, पर ये तो तय है कि ये मशीन बन रही है। और अगर ये मशीन बन गई तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये चीज। और दोस्तों दूसरी जो बड़ी बात, अब आप सबने तो बहुत सारे रोबोट वगैरह देखे होंगे, अभी अमेजोन में भी रोबोट एलेक्स करके आ रहा है। वो रोबोट असल में एक आस्क रोबोट है जिसमें सिर्फ बोलना पड़ता है, और वो उसका आंसर दे देता है दोस्तों। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि नॉलेज कितना आगे बढ़ चुका है, यानी साइंस जो है वो कहाँ तक बढ़ चुका है। क्योंकि देखिए दोस्तों, साइंस को समझना बहुत इजी है। क्यों समझना इसलिए इजी है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे समझ नहीं सकते। और दोस्तों नासा ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, पर तीसरी चीज जो बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लगी वो है जीन थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने डीएनए थेरेपी ये सब सुना होगा, पर जीन थेरेपी, अब दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जब ब्रेन ट्यूमर जैसे इतने बड़े बड़े घातक रोग हमें, या आंख चले जा रहा है, ऐसे रोग हमें हो रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस थेरेपी में किया क्या जाता है दोस्तों, इस थेरेपी में किया जाता है कि जैसे कि बहुत सारी हमारी सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, उनमें जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ ऐसे जीन्स जो हमारे लिए नुकसानदायक है, पर वो भी इनडायरेक्टली हमारे लिए फायदे देते हैं। तो इस थेरेपी के द्वारा उस फायदे, यानी कि उस फायदे वाले जीन को छोड़कर जो जीन्स ऐसे हैं जो उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन जीन्स को निकाल लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह अभी नासा द्वारा की गई है और ये ट्राई कर चुके हैं 7 लोग पे, और 7ों लोग ठीक हो गए हैं, और उनमें से 3 को ब्रेन ट्यूमर था। दोस्तों ये बड़ी बात, क्योंकि साइंस अब इतना आगे बढ़ चुका है कि इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां डेवलप कर रहा है। अब ऐसी बात में एक और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो है टावर। जी हाँ टावर, पर ऐसा वैसा टावर नहीं, पॉल्यूशन टावर। जी हाँ, नादरलैंड का एक शहर जहां सबसे ज्यादा गंदगी थी, वहां उन्होंने जो टावर का निर्माण किया है, उस टावर के कारण वहां जो दोस्तों वहां की जो पॉल्यूशन है, वो टावर क्या करता है, वो क्या करता है कि उस एयर को अपने अंदर खींचता है और एयर को प्योरीफाई करके अपने अंदर ले लेता है, और जो उसके डस्ट है उनको ऊपर कार्बन के रूप में इकट्ठा करता है, चेंज करता है। और इससे 2 फायदे हैं, इससे एक तो कि जैसे कि एयर जो शुद्ध रहेगी उसको वो भेज देता है, और मतलब वातावरण में भेज देता है ताकि वह शुद्ध हो सके वातावरण की एयर भी,
और जो कार्बन बचा है उससे हीरे की अंगूठी बनाई जाती है दोस्तों। जी हाँ, हीरे की अंगूठी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहल है। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों कि नादरलैंड का वह शहर जो सबसे ज्यादा गंदा हुआ करता था, आज उसकी गंदगी मात्र 12% रह गई है। जी हाँ, तो आप दोस्तों जानते हैं साइंस ने इतना सब हमें दिया है और साइंस अलग अलग आविष्कार करता ही आ रहा है। इंडिया भी किसी से कम नहीं है दोस्तों, इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं जो कि एकदम नए हैं और जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं था। ऐसी बीमारियों के भी इंडिया ने प्रूफ या कह सकते हैं अपन सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब बात करेंगे अगली वीडियो में, एक सीरीज है, अगले बार से मैं करियर से शुरू कर रहा हूँ जिसमें नीट वगैरह के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलें और कमेंट जरूर।